ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं मोती सिंह राजपुरोहित askrudraksh.com अहमदाबाद से आज आपके लिए लाया है पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष रेगुलर साइज के अंदर एक अच्छा सा लॉट आया मिक्स के अंदर, तो आज उसी की जानकारी देने वाले हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष क्या होता है, क्या बेनिफिट है। सबसे कॉमन मिलने वाला रुद्राक्ष वर्ल्ड में जिसकी सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वो है पंचमुखी रुद्राक्ष नेपाल। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, इजीली मिलता है, और ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसके अंदर मार्केट में इजीली आपको डुप्लीकेशन मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। इसमें आपको अगर मैक्सिमम कहीं से भी आप ले रहे हो या कोई भी जगह से, तो आपको ऑलवेज अच्छा ही मिलता है। और उसी के अंदर जैसे बहुत क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं प्रीमियम अलग अलग, जैसे नेपाल में बहुत अलग अलग जगह हैं। जैसे अगर आप देखने जाएंगे तो रुद्राक्ष जो होते हैं वो नेपाल के सबसे बेस्ट माने जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, जैसे आम के पेड़ होते हैं उसी साइज़ के बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, ग्रीन कलर के फ्रूट्स होते हैं। वो फ्रूट्स को जब अपन ऐसे पीलिंग करते हैं, उसको छीलते हैं, तो उसके अंदर से ये रुद्राक्ष निकलते हैं। तो सिंपल ये जो रुद्राक्ष कलेक्ट कहाँ से होते हैं उसका मैंने एक बेसिक आपको जानकारी दिया। उसके बाद नेपाल में लोगों को लगता है जैसे सारा रुद्राक्ष पशुपतिनाथ जी से अपने महादेव जी हैं वहीं से आता होगा, नहीं। रुद्राक्ष जो बेस्ट क्वालिटी के जो प्रीमियम जितने भी होते हैं वो सब पहाड़ी इलाका होता है नेपाल का, वहाँ से। जैसे ये बॉर्डर का जो इलाका है पूरा हिमालय का, जिस तरह का पूरा जो बॉर्डर है, ये धरान खांदवाड़ी ये जो पूरे प्लेस है वहाँ से रुद्राक्ष मिलते हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे चढ़ाई होती है, पहाड़ी इलाका है पूरा। हम प्रैक्टिकली वहाँ गए हुए हैं, फिजिकली हमने वहाँ से रुद्राक्ष तोड़े हैं। रेगुलर जैसे हमें नीड वगैरह होती है तो हम फार्मर्स वगैरह से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, तो हम जो भी बीट्स वगैरह बाय करते हैं हम डायरेक्ट फार्मर्स से करते हैं, किसी मीडिएटर से नहीं। तो जो भी रुद्राक्ष आपको चाहिए हमारे यहाँ से, जैसे वन मुख से लेकर 21 फेस, त्रिजुटी, गौरी शंकर, गणेश, जितनी भी वेराइटी आती है रुद्राक्ष के अंदर, बेस्ट क्वालिटी अगर आप इंटरेस्टेड हैं या रुद्राक्ष के आप लवर हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेस होगा रुद्राक्ष लेने का। तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करके अच्छा रुद्राक्ष ले सकते हैं। उन पहाड़ पे ये सारे बड़े बड़े ट्रीज पे ये सब फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स को ये पीलिंग वगैरह छीला जाता है और इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलते हैं। जब रुद्राक्ष का फ्रूट लगा हुआ होता है तो ये आइडिया नहीं होता अंदर कौन सा रुद्राक्ष निकलेगा। एक ही पेड़ पे पाँच मुखी लगता है, छः मुखी लगता है, सात मुखी लगता है, आठ मुखी, ये कुदरत का करिश्मा है, ये महादेव जी की कृपा है। ऐसा नहीं है कि पाँच मुखी का एक अलग पेड़ है, छः मुखी का एक अलग पेड़ है, कि भाई ये पेड़ है इसके ऊपर सारे छः मुखी लगते हैं, ये पंचमुखी का पेड़ है इसके ऊपर सारे पंचमुखी लगते हैं, ऐसा नहीं। रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है कि एक ही पेड़ पे सारे मुखीज अवेलेबल होते हैं। लाइक उसी पेड़ पे आपको 18 मुखी मिल जाएगा, उसी पेड़ पे आपको 21 फेस मिल जाएगा, उसी पेड़ पे आपको 4 मुखी मिलेगा, उसी पेड़ पे आपको 8 मुखी 9 मुखी मिलेगा। लेकिन 21 फेस मैंने कहा तो ऐसा नहीं कि हर पेड़ पे 21 फेस मिलेगा या हर पेड़ पे 18 फेस मिलेगा। लाखों की तादाद में वहाँ ट्रीज हैं, कुछ एक पेड़ के ऊपर से, कुछ एक फ्रूट्स के अंदर से निकलता है, लेकिन कौन से पेड़ से या कौन से फ्रूट से निकलेगा ये कोई जज नहीं कर सकता। जब उस रुद्राक्ष के फ्रूट्स, हाँ फ्रूट से, फ्रूट को देखने से ये आइडिया ज़रूर लगता है कि इसके अंदर पाँच मुखी, छः मुखी या सात मुखी हो सकता है, क्योंकि अभी रात दिन एक्सपर्टीज हो जाती है। जैसे कॉटन कपड़ा वगैरह जो कपड़े के व्यापारी होते हैं वो कपड़े को ऐसे स्पर्श करके पहचान लेते हैं कि ये कॉटन में कौन सी क्वालिटी है, होजरी है, थिक है, उसका कौन सा वो धागा यूज़ हुआ, जैसे उनका कैसे रात दिन उनका जो एक्सपर्टीज होता है उसके अंदर वो कपड़े को, फैब्रिक को देख के बता देते हैं। उसी तरह से जैसे रात दिन हमारा ये भी काम है, तो हम रेगुलरली वहाँ से लेते हैं बहुत सारे फ्रूट्स को, जैसे पीलिंग वगैरह करते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है और फार्मर को भी आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर से 8, 9, 10 मुखी निकलेगा। एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकता, लेकिन एक 80% उनको एवरेज एन आइडिया मिल जाता है कि किसके अंदर से कौन सा मुखी निकलेगा। अगर हायर मुखी 17, 18 मुखी होगा तो वो फ्रूट्स बड़ी साइज़ का होगा या उसका शेप ऐसा होगा तो उससे आइडिया लग जाता है। तो वो लोग उन फ्रूट्स की काफ़ी केयर करना चालू कर देते हैं, जैसे उनको पता चलता है ना कि ये जो फ्रूट है उसमें डेफिनेटली हायर मुखी निकलेगा, तो उसकी केयर करते हैं, उसके तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि महंगे पीट्स होते हैं जो 18, 19, 21 फेस, अगर 21 फेस निकल गया तो वो तो साक्षात अगर कुबेर भगवान का है तो फार्मर के भी वारे न्यारे हो जाते हैं, लॉटरी लग जाती है एक तरह से। 21 मुखी मिलना नेपाल के अंदर लॉटरी लगने के बराबर है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग इतनी है कि आम आदमी तो उसको बाई नहीं कर सकता, बहुत एक्सपेंसिव आता है 21 फेस, 20 फेस, 19 फेस। तो ये इसी तरह से नेपाल से हमें कलेक्ट प्राप्त होते हैं।
और ये सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो एक बेसिक आज बैठे थे यूट्यूब जो हमारा यूट्यूब चैनल, उसमें वीडियो में आपको पूरा थोड़ा बेसिक जानकारी कि कहाँ से मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं नेपाल में, तो ये बताया है। और अगर पॉसिबिलिटी होगी तो नेक्स्ट आने वाले समय में हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप होगा तो हम साथ में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपको वहाँ के जो ट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर जो फ्रूट्स वगैरह, वो भी आपको शो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर के अंदर। होप जल्दी ही मिलेंगे उसके अंदर, और पशुपतिनाथ के भी आपको दर्शन करवाएंगे वहाँ पे। तो आज हमने ये सारे बीट्स जो लाए हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष के बीट्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छे हैं, रेगुलर साइज़ है। अगर आपको कोई अच्छा दाना पहनने के आप इंटरेस्टेड हो तो काफ़ी साफ़ सुथरे दाने हैं, अच्छे दाने हैं, तो पंचमुखी के ये काफ़ी बीट्स हैं हमारे पास, इसमें से आपको ईजिली मिल जाएगा। पंचमुखी का जो रूलिंग प्लैनेट वो है गुरु, जुपिटर गुरु महाराज। अगर गुरु ग्रह रिलेटेड आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना हो, उससे उस रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी लेनी हो, तो आप इस रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं। और एक दूसरा और चीज़, एक वाटर थेरेपी भी होता है। जैसे आपने ये थ्री बीट्स है, ये थ्री बीट्स को पूरा क्लीनिंग वाटर वगैरह से क्लीन करके एक ग्लास के अंदर आपने नाइट में रख दिया और उसमें एक ग्लास भर के पानी रख दिया, और मॉर्निंग में डेली उठने के बाद अगर वो पानी को आप पीते हैं तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उससे आप निजात पा सकते हैं। ये हेल्थ में बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है, एक वाटर थेरेपी का इस तरह का एक सिंपली आप प्रयोग कर सकते हैं। पंचमुखी के थ्री बीट्स रात को एक ग्लास के अंदर तीनों बीट्स रख लीजिए और उसमें पूरा ग्लास में पानी भर दीजिए और उसके ऊपर कुछ ढक्कन वगैरह लगा दीजिए, कोई अंदर कीड़े वगैरह ना गिरे, डस्ट वगैरह ना गिरे। तो मॉर्निंग उठने के बाद वो जब आप ग्लास में से उस पानी को आप पियेंगे, इस तरह से आप एक 15 से 20 दिन करेंगे, अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी वगैरह हैं तो आप उसमें काफ़ी रिलीफ देखेंगे और दूसरी डिजीज़ में भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रुद्राक्ष का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, आध्यात्म क्षेत्र में किया जाता है, सांसारिक जीवन में किया जाता है और मेडिसन में, रोगों के उपचार के लिए भी बहुत जगह अलग अलग इसके प्रयोग किए जा रहे हैं और उसमें सफलता मिली है। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और जीवन में एक ना एक रुद्राक्ष तो आपके गले में धारण होना चाहिए, जिससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। पंचमुखी रुद्राक्ष में आपको कोई भी तरह का रुद्राक्ष चाहिए तो आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फोर मुखी फाइव मुखी में भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। ये इसमें एक लेटेस्ट नया लॉट आया तो उसका आज हमने ये वीडियो बनाया है, उसमें आपको कोई भी डिमांड हो तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8888990399 इस पर डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम आपको उसके रिगार्डिंग गाइड करेगी। आपको कितने बीट्स पहनने हैं, कौन सा बीट्स पहनने हैं, तो आप उनको डिटेल वगैरह भी बताएंगे, तो जो भी हमारे जो आचार्य जी अवेलेबल होंगे तो उनसे आपका बर्थ डिटेल मैच करवा के आपके लिए कौन सा सूटेबल रुद्राक्ष है तो उसका डिटेल भी आपको मिल सकता है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, जैसे हमारे आचार्य अवेलेबल होंगे तो उनसे वो कन्फर्म करके आपको इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप फ्यूचर में कोई भी तरह की डिमांड हो आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।